हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज अनमोलप्रीत कौर एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। तो गाइस, आज मैं टोनी आर्ट एंड क्राफ्ट का बताऊंगी। मैंने टू पेन्स एंड पेंसिल बनाई है। ये येलो वाली पेंसिल है और पिंक वाला पेन है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर बने हैं गाइस। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ। ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि आपको दिख जाए। ये देखिए, और अब हम एक मतलब कि कोई भी पीस ले लेंगे। जैसे मैं अब रेड का बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले आपको क्या करना है, लेने हैं एक सीजर, और जो ये वाली चीज है इसे काटना नहीं है, इसे बाद में काट ले। और मैं आपको सामान जो है वो साथ साथ में बताई जाऊंगी। अब सबसे पहले आपको रेड पेपर लेना है और उसे ऐसे करके फोल्ड कर देना। आपको दिख रहा होगा कैसे, ये देखिए दिख रहा है ना गाइस। ऐसे पहले फर्स्ट फोल्ड कर लिया है मैंने, अब इसे सेकंड फोल्ड कर देना है। बहुत ध्यान से करना है, इक्वल शेप होनी चाहिए, सॉरी इक्वल साइड्स होनी चाहिए। अब थर्ड फोल्ड करना है लाइक ऐसे। देखिए इतना पतला होना चाहिए। अब आपकी जो ये वाली चीज होगी, इधर आपको लाइक ऐसी पंख वाली शेप बना लेनी है ऐसी। तो मैं सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लेती हूँ वो। यही मेरी पेंसिल है। ये देखिए गाइस, मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया है, दिख रही होगी आपको। अब इसे इसी डायरेक्शन में कट कर लेना है जैसे मैंने बनाए रखी है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। और बेल आइकन को ना मेरा गला समझ के दबा देना। एंड ये मेरे फोर बन गए हैं इसके, कोई बात नहीं। अब आपको कोई पेंसिल ले लेनी है, पेन पेंसिल जो भी। ये छोटी वाली पेंसिल में आज मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। देन आपको चाहिए फेविकॉल, ये वाली फेविकॉल ले लो मिस्टर फेविकॉल। और ये आपको इजीली मिल जाएगी 20 रुपीज की, 5 रुपीज वाली भी आती है, आप ले सकते हो। अब इस वाली पेंसिल को लेना है, छोटी सी पेंसिल है जो मैं इस बार यूज कर रही हूँ। और इसके सेकंड वाली डायरेक्शन में आपको ये देखिए गाइस, अच्छे से देख लो, ऐसे आपको लगा देना है। और जहां पे पेंसिल है वहां पे ऐसे से पेंसिल को स्टिच कर देना लाइक दैट। इतना ध्यान रखें बस बाहर ना आए, वरना थोड़ा सा खराब हो जाएगा ये आपका। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब जब इसको आगे में चिपका देते तो सेम लाइक ऐसी लगेगी ये। अब आगे वाली शेप में क्या करना है, फिर से ग्लू लो। अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखिए, अब ये इसकी वो इस वाले में लगाऊंगी मैं। और ये आप पेंसिल देख सकते हो, इसे ऐसे करके लगा रही हूँ मैं, ऐसे दिख रही है ना गाइस। अब जो ये है इसको लगा रही हूँ मैं ऐसे इसके ऊपर। सॉरी गाइस, मैं आपको पास से नहीं दिखा सकती बिकॉज फिर थोड़ा मेरा खराब हो जाएगा। तो आप इधर से देख लो, अच्छे से दिख रहा है इधर भी। एकदम बराबर चिपकाना है, ओके, वरना फिर आपकी शेप नहीं दिखेगी पंख वाली।
एंड अगर आपको मेरी ऐसे ही टोनी आर्ट एंड क्राफ्ट्स में ये मैंने सीखा था और मैंने आज बनाया है और आपको भी मैं दिखा रही हूँ, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है प्लीज कमेंट इन द डाउन, तो फिर मैं ऐसी ही वीडियोस बनाया करूंगी ज्यादातर। ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही है अभी सही। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से तो ये ड्राई हो रही है, अब हमें ये देखिए इसको ये है तो इसे भी तो चिपका दें, ये देखिए इस वाली चीज को भी चिपका देना है, तो इसमें मैं अंदर ऐसे ग्लू लगा के और इसे भी चिपका रही हूँ। ये जाती थी अभी, वेरी गुड। ये ऐसे मेरी हो गई है, अब इसे थोड़ा सा ऐसे रखना है 2 मिनट को। ये देखिए गाइस अब हम इस साइड में भी चिपका देंगे। और ये बाद में जब सूख के तब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो फिर ये ऐसे ऐसे नहीं होगा और आपको ये हवा भी दे देगा। अब हमें क्या करना है, ये हमने ली थी इसका ही हमें एक पीस ऐसे तोड़ लेना है। अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे जैसे हमने पहले फोल्ड करा था ना इसे लाइक वैसे। और अगर आपको फोल्ड नहीं करना है तो आप मत करो, इसकी भी कोई जरूरी नहीं है ज्यादा, सो इट्स योर चॉइस। ये फोल्ड क्यों नहीं हो रहा, हाँ ऐसे कर लो लाइक ऐसे। हाँ जी गाइस हो गया, अब ऐसे हमने फोल्ड करा था सीजर लो। एंड गाइस ध्यान रखे कि अगर आपको सीजर नहीं चलानी आती तो प्लीज हेल्प योर मदर और फादर, मतलब प्लीज हेल्प योर पेरेंट्स, सो लाइक दैट आपको कार्ड देना है। ये देखिए इतना ही बहुत है बिकॉज ये छोटी पेंसिल है, सो इतना इसके लिए बहुत है। सो हम इसके ये शेप्स काट लेंगे जो कि हम, अरे यार हाँ ये बस काट लेंगे जो कि थोड़ी खराब आ गई है शेप, तो इतना हमें काट लेना है लाइक आप देख ही रहे हो। अब आप देख रहे हो कि ये भी एकदम सूख गई है और ये ऐसे ऐसे करने थोड़ी जो है बंद हो गई है, ऐसे ही रह रही है। आपको क्या करना है, ऐसे लें इसे और मार्क कर लेंगे कितना चाहिए। सो हमें बस ये इतनी ही चाहिए गाइस, ओनली इतनी ऐसे मार्क कर लें। सो मुझे पता लग गया है इतनी चाहिए हमें। अरे उतर जा, उतनी ले ली है मैंने। अब इसे क्या करना है, आपको ऐसे रखना है और इतनी हमें और काटनी पड़ेगी। उसका जो शिक्का है वो हमें दिखे इसलिए हमें इतनी और काटनी पड़ेगी पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भाषा समझ में ना आए तो प्लीज इग्नोर नॉट। ऐसे ग्लू लगा दो, दिख रहा है ना आपको गाइस, मैंने आपके सामने लगाई है सो आई होप कि आप सब कुछ दिख रहा हो। ऐसे लाइन बना दी है कभी गिरे ना जाए, और इसी लाइन के हिसाब से आपको पेंसिल पे भी ग्लू जो है लगा देनी है एकदम केयरफुली। अब आप पेंसिल लो और पेंसिल के ऊपर ग्लू लगाओ और अब आप इसे ऐसे
फोल्ड करो। और जो थोड़े थोड़े बच गए उधर भी ग्लू लगाओ एंड पेस्ट करो। अब इसे ऐसे कर लो जिससे कि ये एकदम गोल हो जाए, थोड़े से भी लगे ना। ये बहुत सुंदर बन गई है गाइस। अब हमें जैसे मैंने इसमें कट्स डाले हैं, लाइक कट्स ये आप देख सकते हो। ओके सो अब आपको कट्स डालने हैं। दिस इज वेरी सिंपल टू मेक अ कट्स। Like that you have to make cut in your pencil, like that. एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज माई फोर्थ वीडियो। मैंने अभी अभी चैनल अपना जो है ओपन किया है, सो आपने प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज। एंड गाइज इट्स डन। ये गाइज बाद में हो जाएगा सही, जैसे कि अभी ये थोड़ा सा हो रहा है, ये बाद में सही हो जाएगा। ये पहले इनमें भी ऐसा ही था बट अब देखो ये कितने सही हो गए हैं, तो ये बाद में सही हो जाएगा। अब अगर आपको इधर क्यूट पेंसिल, जैसे कि मैंने इधर में लिख रखा है क्यूट पेंसिल, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये देखिए पेंसिल लिख रखा है, तो वो मैं एक मार्कर से लिखा है। इस मार्कर से आप ले लिख सकते हैं कोई भी। तो अब इधर लिख लेते हैं क्यूट, बस क्यूट, बिकॉज ये छोटी थी तो इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है। ओके माय पेंसिल इज रेडी। So guys, if you like this video, so please comment me in the down and bye bye.